कहा जाता है ये जितना जमीन के ऊपर है ना उतना जमीन के अंदर भी है ये मंदिर। भाई ये देख रहे हो भीड़ बढ़ती जा रही है भाई। रास्ता खाली कर दे, हट जा से। पुलिस वाले मार रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए फालतू में। कोई फायदा नहीं है ऐसे आने का यार। मौसम भाई बहुत ज्यादा खराब हो गया, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है। इसको देखो असली स्नोफॉल के मजे तो ये ले रहा है। व्हाट्सअप, आई होप सब बढ़िया मजे में। इसी के साथ दिस इज राज, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी ब्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत हुई है हमारी केदारनाथ मंदिर से। ये देखो ये है बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। तो अभी फुल नहा धो के रेडी है और अभी जा रहे हैं हम लाइन में लगने के लिए। सुबह लाइन में लग गया था मैं, तो मेरे पीछे जो बंदा था उसको मैंने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ नहा के। फटाफट यहाँ पे गर्म पानी लिया और वहाँ पे नहा धो के अब जा रहे हैं वापस लाइन में लगने। देखो यहाँ से मंदिर से यहाँ से ये लाइन चल रही है और पीछे तक है भाई, बहुत पीछे तक। और मैं तो बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ भाई लाइन में। गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 और भीड़ देखो भाई। और ये तो मतलब ना मंदिर के सामने जो भीड़ है वो है, इससे दुगनी भीड़ इसके पीछे है। ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना बर्फ से ढका हुआ, ये कैलाश पर्वत है भाई। फुल एकदम वहाँ से ठंडी हवा आ रही है एकदम बढ़िया चारों तरफ। ये देखो कितना सुंदर है यार। और आज बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है दर्शन होने में। जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर उसमें लगने लगे तो मतलब कि हम कल ही वापस जा पाएंगे। यहाँ पे जो एक पर्ची कटती है 2100 रुपये की, उस वाली लाइन में लग गए हैं अभी। उसकी भी विंडो बंद है, बोल रहे हैं आधे घंटे में खुलेगी तब कराएंगे। तो अभी उसका टिकट लेंगे और फिर हम दर्शन करेंगे। तो इतनी बड़ी जो आप ये चट्टान देख रहे हैं इसको बोलते हैं भीमशिला। और ये बिल्कुल केदारनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे है। जब 2013 में फ्लड आया था तो पानी बहुत तेजी से पीछे से आ रहा था, तो उस पानी के साथ ना ये चट्टान आके यहाँ पे मंदिर के पीछे रुक गई थी। तो जिस वजह से क्या हुआ था कि जो पानी था वो दो रास्तों में कट गया था, वो पानी इसको हिला नहीं पाया था। भीमशिला इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने प्रोटेक्ट किया था केदारनाथ मंदिर को उस टाइम पे, बिकॉज वो बाढ़ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मंदिर भी खत्म हो सकता था। तो ये भीमशिला ने बचाया था, तो इसीलिए इसको यहाँ पे पूजा जाता है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना। मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ हो जाएगी, वरना मैं ना नहीं आता सच में, क्योंकि ना इतनी भीड़ में आने का कोई फायदा नहीं होता ना। एक तो आपके दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते, अगर दर्शन नहीं भी हो पाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे लिए ये बहुत था कि मैं यहाँ तक आया, और ज़रूरी नहीं है कि मैं अंदर मंदिर के जाऊँ तभी मेरे दर्शन पूरे होंगे। मैं भगवान के पास तक आया हूँ, मैं यहाँ से मिल के चला जाऊँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि यार हो जाए तो बेटर ही है। और भाई सच में मंदिर बहुत सुंदर है देखने में। फिर से देखो एक बारी पीछे से, ये देखो ये है आपकी भीमशिला सामने, बिल्कुल उसी साइज़ के जिस साइज़ का मंदिर है ना पीछे से। और कहा जाता है ये जितना ज़मीन के ऊपर है ना उतना ज़मीन के अंदर भी है ये मंदिर। और अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि जिन्होंने दर्शन कर लिया वो ना चले जाएं वापस, बर्फबारी होने वाली है यहाँ पे भाई। स्नोफॉल पड़ के ना भाई मज़ा आ जाएगा सच में, हालत तो ख़राब होगी देखो लेकिन मज़ा भी आएगा। ये देखो पर्वत आपको अच्छे से दिख नहीं रहा ना, ये फुल ना मतलब स्नो है ऊपर, कितना ही सुंदर है यार। ये देखो भाई देख लो कितना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे मंदिर में आज, बहुत गंदा सीन है। मतलब हर जगह तो देखो ऐसा होता ही है। अब क्या है ना, देखो जो मंदिर के सामने है ना वो है नॉर्मल लाइन, जो कि मतलब लोग लाइन में लगे हुए हैं अपना आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है। एक है इधर सामने जो कि विशेष पूजा कार्यालय, वो बकायदा गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। 2100 रुपये लेते हैं वो लोग, जो कि हम भी मतलब वहाँ पे उस लाइन में खड़े हैं, उसमें भी अभी विंडो ओपन नहीं हुई है, बंद कर दी क्योंकि भीड़ की वजह से। और तीसरी जो है ना वो है यहाँ के पंडितों की सेटिंग,
भाई 1500, 2000, 3000, 4000 दे दो, वो घुसवाते हैं ऐसे करके पंडितों ने ना भाई, सच में हर जगह का ये देखो कितना लठ बज रहे हैं यहाँ पे, मतलब पुलिस वाले मार रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए फालतू में, कोई फायदा नहीं है ऐसे आने का यार। मैं तो वेट कर रहा हूँ बस, अगर वहाँ पे विंडो खोलेंगे टिकट देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से हाथ जोड़ के चला जाऊँगा, पर ऐसे वो नहीं, गलत नहीं करूँगा या फिर मैं मारा मार ही नहीं करने वाला। और मेरे कैमरा की बैटरी ज़्यादा नहीं बची है तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है बैटरी। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक तो वो मैंने साइड दिखाई थी, अब ये दूसरी साइड है मंदिर का, ये देखो यहाँ पे भी यही हाल हो रखा है। मुझे ये नहीं पता कि ये ऐसा क्यों, मतलब यहाँ पे खड़े हैं जब मेन लाइन सामने है उधर, तो बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि भाई पंडित से सेटिंग हो जाए और चले जाए। फिर मेरे को वो ठीक लगा फिर भी कि वो आप, मतलब अगर आप ऐसे अलग से कुछ अपनी पूजा कराना चाहते हो इस तरीके से, तो वहाँ से आप पर्ची वगैरह कटा लो, बढ़िया पूजा हो जाएगी, लेकिन ऐसे मत करो ज़बरदस्ती। तो यार अभी 9:30 बज गए हैं, मतलब सुबह 5 बजे 6 बजे अराउंड में लाइन में लग गया था, 9:30 बज गए, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई फ़ायदा नहीं है कहीं भी जाने का। पता है भीड़ इतनी हो गई है ना कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी भी कोई गलती नहीं है, पुलिस वालों की भाई बहुत मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन भीड़ ही इतनी है, लोग पागल हो रहे हैं, मतलब ना उनकी सुनी नहीं रही, मतलब लोग ऐसे धक्का मार मार घुस रहे हैं, वो हटा रहे हैं, फिर भी जो आने वाले उनको नहीं निकलने दे रहे, अब भीड़ है इतनी, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मेरा मन कर रहा है भाई मैं बाहर से हाथ जोड़ूं भगवान को और मैं बोलूं बाय बाय, यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत था और मैं सच में बहुत खुश हुई यहाँ आके, सच में। यहाँ से जो दर्शन करके आएगा ना उसका निकलने का रास्ता है यहाँ पे ये, लेकिन लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कि भाई हाँ जैसी कुछ हो तो हम घुस जाएं अंदर। भाई ये देख रहे हो भीड़ बढ़ती जा रही है भाई, भाई बंदे ही बंदे हैं, कोई मतलब चांस नहीं है। ये देखो सामने ये है भैरव जी का मंदिर, ये केदारनाथ से आपको पूरा ट्रैक करके जाना पड़ेगा यहाँ से भैरव जी के मंदिर के लिए, ये रहा। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वापस नीचे, और हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए भाई, ठीक है यहाँ तक आ गए, बहुत है यही, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए आना, क्योंकि सच में बहुत टफ है ये ट्रैक, मुझे टफ नहीं लगा बट है टफ, दिख रहा हूँ मैं। बाकी नीचे चलते हैं अभी खाना खाते हैं, बढ़िया नो वरीज। और मेरे साथ हमेशा ये रहता है, मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे ना, अब मंदिर में अगर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मैं नहीं जाता। और दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो 2100 रुपये दे के, वहाँ पर विंडो बंद थी, वो ओपन नहीं कर रहे थे, टिकट्स वगैरह नहीं दे रहे थे किसी को भी, तो इसलिए फिर फाइनल किया कि यार चलो बाहर से हाथ जोड़ो और चलो, मिल लिए महादेव से, कोई बात नहीं अगली बार फिर आएंगे। आप व्यू देखो यार कितना ही सुंदर है भाई, ये देखो सामने बर्फ वाले पहाड़, जैसा कि मैं बता रहा था ना कि अनाउंसमेंट कर रहे थे कि स्नोफॉल शुरू होने वाली है, अभी मैं खाना खा रहा था तो देखा बाहर स्नोफॉल शुरू हो गई है, पर बहुत हल्की हल्की हो रही है अभी फिलहाल। तो गाइस मैंने अभी GoPro निकाल लिया है और ये शूट मैं GoPro से कर रहा हूँ, क्योंकि GoPro के साथ कोई टेंशन नहीं है कितनी भी स्नो गिर जाए, ये देखो स्नोफॉल। अब मुझे नहीं पता कैमरा में दिख रही है अच्छे से नहीं दिख रही, पर बहुत बढ़िया हो रही है भाई। केदारनाथ में आके ना बहुत कुछ देख लिया मैंने, बहुत सच में अच्छा ये लगा कि भाई ट्रैक बहुत अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया है, JS बाजी से मिला, राइडिंग विद पीस से मिला, सोचो केदारनाथ में मिला हूँ मैं। और बुरा ये लगा ये जो घोड़ों के साथ मतलब ना बहुत अब्यूजिव बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मारते हैं इनको, बहुत ही ज़्यादा बहुत गलत करते हैं। ओ भाई अब तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वाली स्नोफॉल हो रही है, बहुत मोटी मोटी, हाय स्नोफॉल के मज़े ले रहा है। ओ भाई ये देखो कितने मोटे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है, और इसको देखो असली स्नोफॉल के मज़े तो ये ले रहा है। रास्ता देखो कितना खतरनाक है भाई ये, स्नोफॉल तो हो गई लेकिन रास्ता बहुत खराब हो गया भाई, बहुत बुरा हाल हो गया रास्ते का, एकदम पूरा कीचड़ कीचड़।
ये देखो शॉर्टकट लेने के चक्कर में फंस गए। शॉर्टकट के चक्कर में ना फंस गए बंदे। पिछले 15 मिनट से मैंने निकाले बंदे, कम से कम 20 बंदे। पहले मैंने आपको दिखाया, फिर मैंने बंदे निकाले, हेल्प की उनकी, क्योंकि भाई किसी को भी चोट लग सकती थी। तो ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह मत लेना यार, बहुत डेंजरस होते हैं। बहुत बुरी हालत है रास्तों की, अब बारिश और हो गई है, सॉरी स्नोफॉल। तो गाइस अब यहाँ पे वापस आ गए हैं। ये देखो जहाँ से मैंने आपको बताया था वही रास्ता है, जब 2013 के टाइम पे फ्लड आया था वो यहीं से होता गया था। जो मेन चढ़ाई आती है ना वो इसी पुल के बाद आती है। और अभी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, स्नैक्स वगैरह कुछ। Much later. तो गाइस अभी मैं पार्किंग में पहुंच गया हूं और मेरे सारे गैजेट्स की बैटरी डाउन हो चुकी है बिल्कुल, अब मैं गाड़ी में चार्ज करूंगा। फिलहाल हमारी केदारनाथ की यात्रा यहीं पे पूरी होती है, तो हम बाय बाय करते हैं केदारनाथ को, फिर मिलेंगे अगली बार। अभी बहुत अंधेरा है यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसे लाइट दिखा रहा हूँ, कुछ तो दिखे। चलो मिलते हैं।